हेलो एवरीवन वेलकम टू माइक लव इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू ड्राइव लेंस मेकर फार्मूला क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो प्लीज मेक सो दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक लाइकन सोट्स नोटिवेशन एवरी टाइम कम टू द टॉपिक्स आज का टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला आप जानते ही हो सबसे पहले क्या करो लेंस मेकर फार्मूला में आप डायग्राम बनाओगे तो आप डायग्राम कैसे बनेगा देखो सबसे पहले आप लेंस बना लो एक ठीक है लेंस बना लिया आपने इस लेंस में क्या देखोगे आप ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस अब इसके कुछ एजेंशन है लेंस में मेरा फॉर्मूला का पहला एजें्पन है कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज लेंगे लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है दूसरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगा वो स्मॉल एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सेस के साथ तीसरा है अपर्चर को स्मॉल रखेंगे हम जो लेंस की साइज है ना वो स्मॉल होगा और चौथा है इसका कि लेंस पतला होगा जैसे कि आपका जो ये पॉइंट आपका है और ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर और पोल ये दोनों बिल्कुल क्लोज होगा ये कुछ एक्जम्शन हैं, ठीक है ठेके? अब आपको डायग्राम बताता हूं कि कैसे डायग्राम बनता है वो उसका देख लो आप फर्स्टली हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा पॉइंट साइज रे ऑफ लाइट ऐसे गया जाने के बाद आप, आप देखो कि इस सरफेस का जो कर्वेचर होगा राइट साइड होगा क्योंकि कर्व ऐसे है तो सेंटर इधर होगा तो इसका सेंटर मान लो कि यहाँ पे है इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करोगे ज्वाइन करोगे ये होगा आपका नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल हमेशा जो इंसिडेंट पॉइंट है उसको आप कर्वेचर से ज्वाइन कर दोगे तो बन जाएगा नॉर्मल ठीक है ये पहला सेंटर कर्वेचर ले लिया और इसको ऑब्जेक्ट ले लिया ठीक है अब अब क्या होगा ये रे ऑफ आपने पढ़ा था रे ऑफ लाइट यदि ये रिफ्लेक्शन था म्यू था रिफ्लेक्टेक्स इसका म्यू टू और इसका म्यू वन ग्लास में जाएगा रे टू डेंसेज जा रहा है तो बैंड टू तो वो नॉर्मल तो रे ऑफ लाइट क्या होगा सीधा ना जाके ऐसा ना जाके वो बैंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ बट दूसरा सर्फेस आ गया उस पर जदि सेकेंड सर्फेस नहीं होता इस पर तो यह सीधे चला जाता यहाँ पे इमेज फॉर्म होता आई वन ठीक है लेकिन सेकेंड सर्फेस भी है जहां पे सेकेंड सर्फेस पे करा उस पॉइंट को आप बी ले लो और सेकेंड सर्फेस का इस तरह से कर्व है, तो सेंटर क्या होगा इधर सेंटर को चलो इसका होगा सी वन इस साइड तो सी टू ले लो इसको ज्वाइन कर दो आप इससे बी ये नॉर्मल टू हो गया क्या हो गया नॉर्मल टू अब क्या करोगे इसमें कि जो नॉर्मल टू हो गया ये डेंसर टू रेयर जा रहा है क्या जा रहा है डेंसर टू रेयर तो आपने प्रॉपर्टी पर था डेंसर से रेड जाने के बाद अभी फ्रॉम द नॉर्मल रे क्या होता है दूर जाता है तो ये फ्लाइट ऐसे ने जाके वो और बैंड हो जाएगा क्या हो जाएगा और बैंड हो जाएगा इस साइड तो ये फाइनल इमेज आपका बन जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको एक्स ले लो इसको पी वन इसको वाई इसको पी टू यहां से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आर वन यहां से लेके जो आई तक का डिस्टेंस है उसे वी और जो डिस्टेंस यहां से लेके आई वन तक है उसे वी वन और ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको यू और सी टू तक का डिस्टेंस जो है उसे सी टू आर टू ये ले लिया हमने डायग्राम समझ में आ गया आपको डायग्राम समझ में डायग्राम ही है और उसके बाद कुछ नहीं है ठीक है तो चलते हैं हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन बाय कहते हैं कि रिफ्रैक्शन किसके थ्रू हो रहा है एक्स पी वन वाई रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बाय एक्स पी वन वाई ठीक है पहला सरफेस से ले लिया हमने तो क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेड टू डेंसर टू डेंसर रेड से डेंसर में जा रहे हैं तो रेड टू डेंसर वाला फॉर्मूला आपने पता पढ़ा होगा म्यू वन म्यू टू है तो लिखने का तरीका देख लो देखो यहां पे म्यू वन और म्यू टू तो टू से वन म्यू टू माइनस म्यू वन फिर इक्वल टू देने के बाद म्यू टू माइनस म्यू वन लिख लेना ठीक है उसके बाद इसके नीचे में यू इसके नीचे में वी और इसके नीचे में आर होता है ठीक है यहाँ पे केवल समझना क्या है कि आपको पहला जो सरफेस था उसका इमेज बना वी वन तो आपका इसके बदले में वी वन लिखना है और पहले सरफेस का जो रेडियस का था वो आर था आर वन तो आर वन लिखना है बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना है ठीक है इसको थोड़ा सही से लिख लो स्पेस देके म्यू टू बाय यू म्यू टू बाय वी वी वन और ये यू ये पहला हो गया ठीक है अब आ जाओ सेकेंड केस सेकेंड में देखो क्या इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेना आप सेकेंड केस में देखो रिफ्लेक्शन किसके थ्रू हो रहा है एकस, पी टू वाई रिफ्रैक्शन बाय एक्स पी टू वाई रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू टू रेड अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वह डेंसर से रेड की तरफ हो रही है ग्लास से बाहर जा रहा है तो ग्लास से बाहर जाएगा तो मतलब क्या होगा म्यूटू से म्यू वन की तरफ आप म्यू टू को हमेशा डेंसर लेना म्यू वन को हमेशा रेयर तो उल्टा लिखना होता तो बताया था उल्टा लिखना होता है तो क्या लिखोगे आप म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल टू तो, फिर से लिख दो म्यू वन माइनस म्यू टू यहाँ पर वी लिखना होता है यहाँ पर यू और यहाँ पर आर तो यहाँ पर आर क्या बताया मैं आर टू लिखना और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जो पहले के लिए इमेज था वो सेकेंड केस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे आप V1, फिर से बताता हूँ मैं आपको जो पहले सरफेस के लिए इमेज का काम था कर रहा था वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि कैसे जो इंसिडेंट रे होता है वो ऑब्जेक्ट होता है जैसे यहाँ पे ओ ए इंसिडेंट कर रहा था फर्स्ट सरफेस पे, लेकिन सेकेंड सरफेस पे क्या कर रहा है ए बी ए बी क्या बना रहा है आई वन ठीक है अब इसको दोनों को आप ऐड कर देना ठीक है हटा देता हूँ इसको डायग्राम को अब इन दोनों को आप ऐड कर दो लिखो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू बस ये दोनों क्वेश्चन लिखना है मेन इंपॉर्टेंट काम है उसके बाद दोनों को ऐड कर दो क्या लिखोगे म्यू टू बाय वी वन माइनस म्यू वन बाय यू इक्वल प्लस प्लस ये लिख लो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन इक्वल टू तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू क्या कर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया क्या दोनों को ऐड कर दिया अब आप यहाँ पे देखो कि जो ये दोनों हैं वो बिल्कुल सेम है तो दोनों को कैंसिल कर दिया और इनको रीअरेंज करके आगे पीछे लिख दो तो क्या लिख सकते हो आप म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू और इसको लिख दो आप म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन और इसमें से माइनस कॉमन ले लो जब आप माइनस कॉमन लोगे माइनस यहाँ पे लिख देना ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपन आर टू ठीक है तो इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लिया इसमें से फर्स्ट पार्ट में से बचेगा वन बाय आर वन और सेकेंड से बचेगा वन बाय आर टू हमने म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लिया दोनों सेम था कॉमन ले लिया यहाँ पर आप म्यू कॉमन है म्यू वन तो म्यू वन कॉमन ले लो वन बाय वी माइनस वन बाय यू हो जाएगा क्लियर अब आप क्या करोगे जो म्यू वन है ना इसको आप राइट साइड ले आओ तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू होगा क्या म्यू टू बाय म्यू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू वन डिवाइड कर दोनों से वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू अब आप गौर से देखोगे यहाँ पे दोनों सेम है कैंसिल हो जाएगा और म्यू टू बाई म्यू वन जो होता है वो रेशो होता है उसको म्यू लिखते हैं हम क्या लिखते हैं म्यू म्यू माइनस वन हो गया ये और ये वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू इसको लिखो वन बाय वी माइनस वन बाय यू। ये आपका फॉर्मूला हो गया ठीक है थोड़ा सा और भी है इसमें अब इसमें कैसेस है आपका कहता है कि वेल ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी क्या होगा जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो जब ऑब्जेक्ट प्लेस एट है इन्फिनिटी वेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज पे फॉर्म होगा देन इमेज फॉर्म्ड एंड फोकस फोकस से फॉर्म होगा मतलब क्या हुआ इसका कि आपको पुट करना है इसमें यू इक्वल टू इन्फिनिटी एंड वी इक्वल टू एफ इसमें डाल दो आप तो क्या डालोगे क्या हो जाएगा वन बाय एफ माइनस वन बाय इंफिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू ठीक है इसी फॉर्मूले हमने यहाँ पे दोनों पे डाल दिया यहाँ पे डाला एफ और यहाँ पे डाला यू और ये बाकी सब एक एज इट इज ठीक है आप देखो वन बाय इन क्या होता है जीरो तो इसको छोड़ दिया क्या होगा म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू यही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है वन बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस वन ब्रैकेट वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू ठीक है वीडियो को यदि कोई दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा देख लें यदि वीडियो में किसी तरह की कोई डाउट है तो कमेंट करें मैं उसका सोल्यूशन जरूर बताऊँगा और कोई नए टॉपिक पर आप चाहते हो वीडियो तो उसका भी कमेंट में आप बताओ सजेशन दो मुझे कि कौन से टॉपिक पर आपको दिक्कत आ रही है उस पर टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा मैं ठीक है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो